लाहौर में इस मौके बाद स्मार्ट लॉकडाउन, दुकानदारों ने दुकानें बंद करने का हुक्म हवा में उड़ा दिया। दुकानों के शटर नीचे करके कारोबार जारी रखा। पुलिस से साजबाज करके सड़क पर स्टॉल भी लगा लिए। जरा इंतजामिया ने चुप साध ली। 6 डिविजन में स्मोक कंट्रोल करने का हुकूमती गरबा नाका। इंसदाद स्मोक के लिए माल रोड पर ट्रैफिक के लिए बंद रहा। सिर्फ साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को माल रोड पर आने की इजाजत दी गई। सीटीओ मुस्तनसर फिरोज ने कहा, शहरी परेशानी से बचने के लिए माल रोड पर सफर न करें। लाहौर शहर में बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि आज इतवार को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक माल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। सिर्फ पैदल चलने वाले अशखास और साइकिल सवार जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो शहरी अपनी कन्वीनियंस के पेश नज़र माल रोड पर आने से इजनाब। हुकूमत साइकिलिंग कल्चर के फरोग के लिए मुतहरिक। माल रोड पर साइकिलिंग रेस का इनेकाद। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने रेस का अफ्तिताह किया। चेयरिंग क्रॉस से शुरू होने वाली साइकिल रेस में खवातीन और बुजुर्ग शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। स्मोग आवाम की जान का रोग बन गई। बागों के शहर की आलूदा फजा सांस लेने के लिए मुजरे सेहत करार। शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। मौसमी अमराज वबा की सूरत हाल इख्तियार करने लगे। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज्यादा मुतासर इलाकों में नकलो हमल मजीद महदूद करने की हिदायत। गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की है। स्मोग में भी डेंगू ने अपने तेवर न बदले। डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में डेंगू बुखार के 52 नए मरीज रिपोर्ट। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 6213 तक पहुंच गई। बीएससी नर्सिंग 2 साला प्रोग्राम में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनका। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के टेस्ट में 2840 उम्मीदवार शरीक हुए। इम्तहान की निगरानी यूएचएस की सीनियर फैकल्टी ने अंजाम दी। टेस्ट का रिजल्ट 1 हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। शहर को सिग्नल फ्री बनाने के लिए निगरान वजीर आला ने कैवेलरी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास से 1 रोज में 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर सकेंगी। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर में जारी तमाम प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। सीटीओ की हिदायत पर पोश इलाकों में सख्त नाके। 13 रोज में 4682 मुकदमात दर्ज। गाड़ियां बंद, बगैर लाइसेंस 3762 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात। सीटीओ का कहना है, शहरी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस सड़कों पर मत आ। लाहौर पुलिस का वन व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सैयद अली नासिर रिजवी का वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, रवा माह के दौरान 2122 वन व्हीलर्स गिरफ्तार किए। शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने वालों से कोई रियायत ना बरती जाए। शहर में मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। नवाकोट में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बच्चों की मां को कुचल दिया। निश्तर कॉलोनी में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 30 साला शख्स जान से गया। मुगलपुरा में ट्रेन की जद में आकर 25 साला नौजवान जाँ बहक। नसीराबाद में 60 साला शहरी। रायपुर में 40 साला शख्स ट्रेन की जद में आ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक गार्डन टाउन के करीब 45 साला नामालूम खातून की लाश मिली। खातून फुटपाथ किनारे मुर्दा हालत में पाई गई। फैक्ट्री एरिया से 60 साला बुजुर्ग शहरी की लाश मिली। इकबाल डॉन डिवीजन पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटों में 33 मुलजिम गिरफ्तार। 3 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। 5 कमांडर पकड़े गए। पतंगबाजी, साउंड सिस्टम और गदागरी पर 6 मुलजिम धर लिए गए। पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। बगबानपुरा में मंशियात फरोश अनायत गिरफ्तार। 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद।
मिस्री शाह पुलिस ने नाजिम और इम्तियाज को गिरफ्तार करके 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। मिस्री शाह से ही मुलजिम असद पाबंदी के बावजूद असलहा लेकर घूमने पर गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिज़वी की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर इन टाउनशिप आमा डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक ने इस्तकबाल किया। हेडक्वार्टर्स का दौरा कराया और ब्रीफिंग दी। अफसरों का जराइम पेशा अनासर का मिलकर मुकाबला करने का आदा, शूटर्स और इश्तिहारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। सेफ सिटी वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर कैमरों के साथ फील्ड में भी मुतहरिक। कैंट एरिया में रास्ता भूलने वाली जहनी माजूर बच्ची बुरसा के हवाले कर दी गई। वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने ड्यूटी से वापस जाते हुए स्पेशल बच्ची को लावारिस पाया। इंतजामिया ने सार्फीन को मस्नूई महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, दुकानदारों की मौजें लग गईं। सरकारी रेट लिस्ट की धज्जियां उड़ा दी गईं। सब्जियों और फलों की कीमत ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए महंगा होकर 502 रुपए फी किलो हो गया। सर्दी में इजाफा होते ही लंडे बाजार की रौनकें बढ़ गईं। शहरी गर्म अलबसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए। जैकेट्स, गर्म जराबें और जर्सियां खरीदने वालों का रश बंद है। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। सरकारी इदारों से अदायगी की मुश्किल को आसान बना दिया गया। कई सरकारी महकमे अदायगी का निज़ाम जदीद और आसान बनाने में कामयाब। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ऑफिस में ग्रीन चैनल बना दिया गया। मुलाजमीन के यूटिलिटी और मेडिकल बिल्स की जल्द अज जल्द क्लियरेंस होने लगी। पंजाब हुकूमत ताहाल चीनी कंपनी की $12,30,000 की नादहिंदा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मुतालिका रकम ना दे सका। चीनी कंपनी ने रकम की अदायगी के लिए एक बार फिर मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात को माली साल के 4 माह गुजरने के बाद होश आ गया। मजमूई तौर पर 862 तरक्याती मंसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की दरख्वास्त। हुकूमत ने 17,50,00,000,000 के मंसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर-ए-आला से सिख यात्रियों के वफ़द की मुलाकात। सैयद मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ असफ़र अली नासिर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीब के लिए ननकाना साहब जाएंगे। अकलियती रहनुमा डॉक्टर पॉल भट्टी की आईजी पंजाब से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसीही वफ्द को सीपी ऑफिस का दौरा कराया। वफ्द ने मिसाक सेंटर में सर्विस डिलीवरी की फराहमी और वर्किंग का जायजा लिया। वफ्द को शहदा और गाजी वॉल भी दिखाई गई। चीनी सुबह जियांगसू पुलिस के वफ्द का 5 रोजा दौरा लाहौर। 3 रोंगशोंग डिप्टी डीजी पब्लिक सिक्योरिटी की क्यादत में वफ्द ने सीपी ऑफिस का दौरा किया। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने चीनी वफ्द को रवायती पगड़ियां पहनाई। पंजाब पुलिस और चीनी वफ्द के दरमियान सवीनियर्स और तहाइफ का तबादला भी किया गया। हल्का PP 149 मुल्तान रोड का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज के नाकिस निज़ाम से परेशान अवाम सियासी नुमाइंदों पर बरस पड़े। कहते हैं किसी ने तरक्याती काम नहीं कराए, गैस नहीं आती, पानी के अलग मसाइल हैं। अब वोट उसे मिलेगा जो मसाइल हल कराएगा। बिलावल सियासत का तफले मकदब है। सेक्रेटरी इतलात IPP डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं तहरीक इंसाफ के मुतासरीन का नून लीग में पड़ाव नहीं हो सकता और ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव। नया पाकिस्तान बनाने का नामुकम्मल एजेंडा IPP के प्लेटफॉर्म से पूरा करेंगे। जमात इस्लामी का कौमी और सूबाई हलकों का जायजा इजलास। नायब अमीर लियाकत बलोच ने सदारत कही। फरीद अहमद पराचा, नसरुल्ला गोराया, चौधरी शौकत, अजहर बिलाल, अहमद सलमान बलोच और एहसानुल्ला वकास की शिरकत। इलेक्शन मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लियाकत बलोच ने कहा जमात इस्लामी मुल्क भर में उम्मीदवार खड़े करेगी। इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीन मरकजी जमीयत अहले हदीस के चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे से फारिग। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा नए चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर।
सरबरा प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा, इब्तिसाम इलाही जमात के मनसब के पासदारी नहीं कर रहे थे, कुरान सुन्ना मूवमेंट के नाम से मुतबादिल तंजीम कायम की। मुआशरे मोहब्बत से फरोग पाते हैं, वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक का अम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मोहब्बत की दीवारों को नफरत की दीवारों से ऊंचा करना होगा। खलील जॉर्ज ने कहा, कयाम अम के लिए पाक अफवाज और पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फलस्तीन में जंग खत्म की जाए, मिलकर फलस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गजा जंग खत्म करके अमन कायम किया जाए, जड़ावाला में जो हुआ इस पर हम मुआफी के तलबगार हैं। मिली वृक्षा यूनियन की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर रैली, मुजाहरे में मिली रिक्शा यूनियन के अहदेदारों और ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिरका के फलस्तीनियों के हक में नारे, रिक्शों को फलस्तीन के परचम से सजा दिया। ऐवान-ए कायदे आज़म जौहर टाउन में हाई अचीवर्स अवार्ड तकरीब, निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की खसूसी शिरकत, कहा कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा है, नेक नीयति से काम करने वालों का अल्लाह सहारा बन जाता है। पोलियो के दो कतरे पिलाएं, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। लाहौर में कल से 7 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम शुरू होगी, 20,85,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सरबरा इंसदादे पोलियो प्रोग्राम खजर अफजाल ने कहा, मुहिम का मकसद पोलियो वायरस के फैलाव को रोकना है। मान नहीं प्यार के दावे धरे के धर रह के, लाहौर के निजी स्कूल में टीचर का नर्सरी क्लास के बच्चे पर बहिमाना तशद्दुद, वालिदैन का प्रिंसिपल को शिकायत करना भी जुर्म ठहरा दिया। टीचर ने बच्चे को मजीद तशद्दुद का निशाना बना डाला, बच्चे पर तशद्दुद का वाकया न्यू भागेवाल में पेश आया। सीनियर वकील शाह खावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर, शाह खावर पीसीबी में इलेक्शंस की निगरानी करेंगे। जका अशरफ के ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद उन्हें तौसी मिल गई थी, अब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के नए सरबराह का इंतखाब होगा। और शहर में बादलों के डेरे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम मतला अबर आलूद रहेगा, बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं।